इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्त कि अगर आप अपने वेबसाइट का जो भी पोस्ट है वो शेयर करते हो कहीं पे जैसे कि यहां पे आपको बता दूं आपका जो है वेबसाइट है और ये जो है आपका पोस्ट है और इस पोस्ट का जो है लिंक शेयर करते हो यहां पे शेयर पे क्लिक करके ठीक है इस तरीके से यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कॉपी लिंक का तो यहाँ से कॉपी करके जो है आप शेयर करते हो तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज का ध्यान आपको रखना है और इस चीज से तो आपको नुकसान तो नहीं होगा लेकिन आपको जो है बहुत बड़ा जो है फायदा होगा ठीक है बहुत बड़ा फायदा होगा तो ये चीज जो है आपको समझना भी जरूरी है अगर ब्लॉगिंग करते हो तो ठीक है तो यहाँ पे क्या है दोस्त जैसे कि आप यहाँ से डायरेक्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हो जैसे कि फेसबुक ट्विटर पिंटरिस्ट या व्हाट्सअप पे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कई बार होता है ना कि हम स्पेशल जगह पे शेयर करते हैं ठीक है मैसेज के थ्रू ठीक है क्योंकि मैसेज का यहाँ पे ऑप्शन तो आता नहीं है मैसेज के थ्रू हम एक पर्सनल तरीके से हम शेयर करते हैं लोगों को हम लिंक देते हैं या फेसबुक ग्रुप के अंदर में लिंक देते हैं ठीक है तो वहां से हमें देखना है कि वहां से जो है कितना क्लिक आया ठीक है कितना क्लिक आया बाकी अगर सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो तो वो तो सब एक ही जगह पे कॉन्ट होकर यहाँ पे दिखाएगा लेकिन आप जो है जहां पे शेयर कर रहे हो अगर वो चीज देखना चाहते हो कि वहां से जो है हमारा व्यूज कितना आया अगर वहां से व्यूज जो आया है तो हमारा जो है जैसे कि कौन कौन सा कंट्री से आया है किस किस जगह से आया है चीन से जापान से इंग्लैंड से अमेरिका से ब्रिटिश से पता नहीं कहाँ कहाँ से सऊदी अरब से तो ग्रुप के अंदर में जो है सभी कंट्री के लोग रहते हैं ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ इंडिया से ही रहोगे तो इंडिया से रहोगे तो आपको जो है इंडिया दिखाएगा और जहाँ से भी जो भी क्लिक करेगा वो सब दिखाएगा देखिए यहाँ पे करना क्या है सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ से जो है लिंक कैसे कॉपी करना है वो चीज तो आपको बता दिया हूं और बाकी यहाँ पे जो है एक बड़े कमाल की चीज है जैसे कि आप जो है ब्लॉगिंग नहीं करते हो या ब्लॉगिंग करते भी हो तो आप जो है किसी और जगह के लिंक को यूज करते हो ठीक है तो अगर आप जैसे कि ब्लॉग पोस्ट के अंदर में कोई सा भी लिंक देते हो कहीं से भी कोई सा भी अटैच कर देते ना मैं लोग भी जो है अटैच कर देता हूँ ठीक है कई बार होता है या आप फ्लेट मार्केटिंग करता हूँ तो उसका भी जो है लिंक दे देता हूँ वीडियो के डिस्क्रप्शन में तो मैं ये देखना चाहता हूँ जैसे कि मैं वीडियो के डिस्क्रप्शन में अगर अपलेट का लिंक देता हूँ तो हमारे अपलेट लिंक पे लोग जो है कितना लोग क्लिक किया ठीक है तो वो चीज मुझे देखना है और उस लिंक पे जो है लोग कहाँ कहाँ से आ रहा है क्योंकि अपलेट लिंक जो होता है या अटैच जो हम लिंक करते हैं बेशक से उसे हमें कमीशन नहीं मिले लेकिन जैसे ये ब्लॉगर इमेज साइज फिक्स करने का इसमें टूल है तो टूल जो है किसी और का है और इसके अंदर में हमने लिंक दे दिया है तो ये एक तरीके से कमीशन तो हमें नहीं मिलेगा लेकिन उसे अपलेट ही बोला जाएगा बाकी कितने अपलेट से कमीशन भी मिलता है तो चलिए अफलेट लिंक को जो है ज्यादातर लोग जो है करते क्या है कि ध्यान में रखते हैं तो अफलेट लिंक पे अगर कोई क्लिक करता है तो आपको जो है पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पे जो है आपके अफलेट लिंक पे लोग कितना लोग क्लिक किया तो यहाँ पे जो है एक वेबसाइट को लोग जो है यूज करते हैं जो कि वो ट्रस्टेड वेबसाइट है और बहुत ही अच्छा वेबसाइट है तो यहाँ से जो है लिंक कॉपी करके आप जो है किसी का भी लिंक अगर कॉपी करके अगर उसका जो है आप पूरा डेटा देखना चाहते हो कि लोग उस पर कहाँ से आ रहे हैं कहाँ कहाँ से क्लिक कर रहे हैं ठीक है और हर चीज डिटेल में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना क्या होगा देखिए यहाँ पे जो है जैसे कि मैं लिंक शॉर्ट करता हूँ कई बार जैसे कि यहाँ पे ये जो है लिंक शॉर्टनर वेबसाइट है मेरा ठीक है इस तरीके का वेबसाइट आप भी बना सकते हो और मैं बताया भी हूँ कि इस प्रकार से वेबसाइट किस प्रकार से बना सकते हो तो चलिए दोस्त यहाँ पे जो है होता क्या है कि ये जो है पर्सनल लिंक शॉर्टनर है अगर मैं यहाँ पे लिंक को ये वाला जो लिंक है इसको मैंने डाला ठीक है अभी कुछ वीडियो बनाया था जैसे कि एक्सट्रक्ट टैक्स फॉर्म इमेज के ऊपर जैसे कि आपका कोई सा भी फोटो है और उसका जो है क्या है कि उसके ऊपर टेक्स लिखा हुआ है या कहीं से आपने स्क्रीन ले लिया है अगर उस टैक्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ठीक है वो सब टैक्स जो है अपने आप ही लिखा के आपको मिल जाएगा और उस टैक्स को आप यूज कर सकते हो तो उसका जो है टूल का यहाँ पे लिंक शॉर्ट किया हूँ ताकि किसी को भी अगर मैं लिंक देता हूँ तो मेरा जो है क्या है कि लिंक भी मोनिटाइज हो जाए जिससे कि थोड़ा बहुत जो है क्या है कि अर्निंग हो जाए ठीक है क्योंकि एडसेंस का एड चल रहा है इस इसपे मैं किसी बेफालतू का एड में लगा नहीं रखा हूँ और ये इस प्रकार से आप भी काम कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इधर यू आर एल शॉर्टनर है उसके बाद डॉट रिसर्च टेक न्यूज डॉट इन है तो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिला हुआ है एक वेबसाइट पे तो उसी के जरिए जो है सब डोमिन क्रिएट करके आप जो है अनलिमिटेड वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो और सभी वेबसाइट पे एडसेंस का एड चलेगा आपको बार बार अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है तो चलिए जो भी काम की चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन हम यहाँ पे मेन चीज करते क्या है कि लिंक को जो है यहाँ पे हम देखते हैं ठीक है जैसे कि ये लिंक जो है मैंने कॉपी किया और मुझे ध्यान में रखना है कि हमने जो है ब्लॉग पोस्ट के अंदर में इस लिंक को डाला है तो इस लिंक पे जो है कहाँ कहाँ से लोग क्लिक कर रहे हैं कितना लोग क्लिक किया है वो ध्यान रखने के लिए जैसे कि अगर ये बड़ा लिंक भी है मान के चलो कि ये बड़ा लिंक है और जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो एक फायदे की भी चीज है ठीक है यहाँ पे लिंक मैंने शॉर्ट कर लिया ठीक है या लिंक नहीं भी शॉर्ट करोगे तो इस लिंक को क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हो बिटली के अंदर में ठीक है दोस्त लेकिन यहाँ पे जो है मैं लिंक को ध्यान में रखने के लिए और लिंक को छोटा करने के लिए दो चीज को मैं इसे यूज करता हूँ बिटली को जैसे कि एक तो मेरा इतना लंबा लिंक होता है जैसे कि मैं यहाँ पे गया और ऊपर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे देख सकते हो कितना लंबा लिंक हो गया अगर इतना लंबा लिंक जो है अगर मैं किसी को दूंगा तो वो जो है पता नहीं इस पे क्लिक करेगा कि नहीं क्लिक करेगा कोई गारंटी नहीं है लेकिन ये जो है क्या है कि लीगल है दोस्तों ठीक है अनलीगल नहीं है क्योंकि एडसेंस का एड भी चल रहा है सिर्फ ये है क्या कि पर्सनल जो वेबसाइट है ना तो ये सिर्फ लंबा लिंक हो जाता है लंबा लिंक देख के लोग जो है इस पे क्लिक करने में कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे बिटली पे जाता हूँ ठीक है यहाँ पे यहाँ पे जो है लिंक पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर में लॉग करना साइन अप करना बहुत आसान है जैसे आप ब्लॉगर में लॉग किए हो या गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते हो या फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हो उससे भी बहुत आसान है ठीक है तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ठीक है देखो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया उसके बाद जो भी है अगर इस लिंक को मुझे ध्यान में रखना है कि ये कौन सा लिंक है तो इसको हम ध्यान में क्या रखेंगे जैसे कि यहाँ पे फोटो एक्स्ट्रैक्टर है ठीक है फोटो एक्सट्रैक्टर तो यहाँ पे यहाँ पे जो है फोटो में लिख दूंगा ध्यान के लिए ताकि इस बिटली को कभी भी ओपन करूंगा ना तो इस फोटो जो लिखा रहेगा तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये जो लिंक जो मैं शॉर्ट किया हूँ तो कहीं ना कहीं इसी का है तो यहाँ पे जो है क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा ठीक है क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जो है दोस्त अब ये है क्या की ये जो है देखो कितना छोटा लिंक बना दिया है ठीक है इतना छोटा लिंक बना दिया तो इसे करूंगा कॉपी कॉपी करके भी आपको बता देता हूँ तो छोटा हो गया है तो यहाँ पे जो है पेस्ट करके भी आपको बता देता हूँ देखो कितना छोटा लिंक कर दिया है अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो होगा क्या देखो अभी ठीक है अभी देखो आपके काम का ही चीज रहेगा तो यहाँ पे क्या है कि देखो इस तरीके से लिंक शॉर्ट होगा ठीक है लिंक शॉर्ट होगा और ये होगा क्या कि दूसरे जगह भी रिडायरेक्ट होगा यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पे होगा क्या अभी आपको बता देता हूँ जैसे कि यहाँ गो लिंक पे क्लिक करेंगे तो गो लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे देखो अभी एक टूल ओपन होगा फोटो एक्सट्रक्टर ठीक है यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आपको लिख के भी आ गया है देख सकते हो यहाँ ऊपर में लिख के भी आ गया और यहाँ पे भी आ जाएगा अभी स्लो चल रहा है थोड़ा इंटरनेट तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर इसका ध्यान रखना चाहते हो पूरा ध्यान डेटा देखना चाहते हो तो इसका डेटा जो है कहीं से तो मिलेगा नहीं लेकिन आपको जो है बिटली देगा ठीक है जैसे कि बिटली पे क्या है कि कितना लोग क्लिक किया जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ अभी एक क्लिक हमने किया है तो यहाँ पे दिखता है कि नहीं दिखता है अगर नहीं दिखता है तो हो सकता है दो चार मिनट बाद जो है यहाँ पे काउंट होता होगा देखो यहाँ पे जो है एक लोग क्लिक किया ठीक है तो मैं ही क्लिक किया हूँ उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि कहाँ से क्लिक आया है तो देख सकते हो कि कंट्री जो है लोकेशन इंडिया से आया है और यहाँ पे जो है डायरेक्ट दिख रहा है ठीक है डायरेक्ट का मतलब ये क्या है कि हमने ब्राउजर में डाला है और इस इसपे क्लिक करके ओपन किया है हम इस लिंक को करते क्या है कि यूट्यूब पे जैसे कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ तो वहां से जो क्लिक आएगा तो यहाँ पे यूट्यूब से कितना क्लिक आएगा वो दिखाएगा अगर फेसबुक पे शेयर करता हूँ तो फेसबुक से कितना आया वो दिखाएगा तो जहाँ जहाँ पे शेयर करोगे वो उसका अकाउंटिंग यहाँ पे दिखेगा ठीक है बाकी कौन कौन सा कंट्री से आ रहा है तो यहाँ पे दिखेगा जैसे कि इंडिया से जो है एक आया अगर पाकिस्तान से अगर दस आता है तो दस दिखाएगा बांग्लादेश से दस आएगा तो दस दिखाएगा अगर कहीं से भी है अमेरिका से अगर पचास आएगा तो पचास दिखाएगा इंडिया से एक आया है तो एक दिखा रहा है अगर दस आता तो दस दिखाता तो दोस्तों ये जो है बहुत ही कमाल का चीज है एक तो सबसे पहली बात की आपके लंबे से लंबे लिंक को छोटा कर देगा और दूसरी बात यहाँ पे जो है आप अपने लिंक का हिसाब किताब रख सकते तो इसीलिए जो है मैं बीटी को यूज करता हूँ और इसीलिए आपको बताया हूं कि अगर आपके काम का चीज है तो आप इसे यूज करो ठीक है और ये आपके काम का चीज है ही दोस्तों ठीक है बहुत सारा बहुत बार ऐसा है आपको जो है ऐसा टूल जो है पता भी रहता है लेकिन इसका फायदा जो है आपको पता नहीं रहता इस टूल के बारे में तो आपको पता रहता है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस टूल को जो है यूज भी करना जानते हो लेकिन दोस्तों इसका जो है फ्यूचर क्या है पता नहीं रहता है तो इसका फ्यूचर मैंने बता दिया कि ये इस प्रकार से काम करता है अगर ब्लॉगर हो तो आपके काम का है दोस्त ठीक है मुझे तो बहुत ही ज्यादा ये हेल्प करता है ठीक है बिटली क्योंकि मैं लिंक शॉर्ट करता हूँ और लिंक शॉर्ट करके और मैं कहीं पे भी डालता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि वहां से कितना क्लिक आया इस पे कितना नहीं आया है तो बाकी जो है दोस्त तो देखो अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता है या एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है तो आपको बता दू दोस्त देखो वेबसाइट को सही करने के लिए एक फुल कोर्स बनाया हूँ उस फुल कोर्स का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो बिल्कुल फ्री है उसे आप देख सकते हो और अपने वेबसाइट को सही भी कर सकते हो एडसेंस अप्रूवल भी आपको मिलेगा और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा बाकी जैसे कि आप अगर आपके पास जो है टाइम नहीं है या आपको वेबसाइट क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों मेरे पास ये भी सर्विस है जैसे कि इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप जो है मेरे से वेबसाइट क्रिएट करा सकते हो वेबसाइट को खरीद सकते हो फुल कस्टमाइज फुल सेटिंग वेबसाइट तो दोस्तों अपने पास सब कुछ का उपाय है और बाकी मैं लिंक शेयर जो है करने से पहले क्या करना है वो चीज़ आपको बता दिया हूँ अगर आपको अच्छा ये जानकारी लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना है लाइक अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका जानकारी आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही आप मिलते हैं अगले वीडियो में